कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार को वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया। चुनावी नामांकन पत्र में उन्होंने 12 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति घोषित की। प्रियंका ने अपने नामांकन पत्र के साथ दिए हलफनामे में बताया कि उनके पास 4 करोड़ 24 लाख रुपए की चल और 7 करोड़ 74 लाख रुपए की अचल संपत्तियां हैं। चक्रवाती तूफान दाना तेजी से उड़ीसा और बंगाल तट की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक तूफान दाना 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तटीय इलाकों की ओर बढ़ रहा है। फिलहाल यह तूफान पारादीप से 280 और धामरा से 310 किलोमीटर दूर है। लैंडफॉल के समय समुद्र में सामान्य से 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। देश के कई हिस्सों में आज भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार 24 अक्टूबर को दक्षिणी झारखंड में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा के साथ भारी वर्षा होने की संभावना है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को वायनाड लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल करके अपनी चुनावी पारी का आगाज किया है और इस मौके पर कहा कि उनके पास राजनीति में 35 साल का अनुभव है क्योंकि वह 1989 में अपने पिता राजीव गांधी के साथ 17 साल की उम्र में पहली बार चुनाव प्रचार अभियान में शामिल हुई थी। जम्मू कश्मीर के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। रिपोर्ट के मुताबिक शाह से मुलाकात के दौरान अब्दुल्ला ने जम्मू एवं कश्मीर से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जिनमें राज्य का दर्जा जल्द बहाल करने का मुद्दा भी शामिल था। पिछले हफ्ते सूबे के सीएम के तौर पर पदभार संभालने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे अब्दुल्ला ने गृह मंत्री के साथ करीब 30 मिनट तक बैठक की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला पुणे में खेला जा रहा है। गुरुवार को न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला लिया है। पहले सेशन का खेल जारी है। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 1 विकेट पर 34 रन बना लिए हैं। जोवन कॉनवे और विल यंग क्रीज पर हैं। टॉम लेथम 15 रन बनाकर आउट हुए हैं। भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष दक्षिण भारत से हो सकता है। पार्टी ने 15 दिसंबर तक नया अध्यक्ष चुनने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश संगठनों से कहा गया है कि दिसंबर के पहले हफ्ते तक अपने यहां संगठन चुनाव पूरे कर लें ताकि राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए पार्टी की संवैधानिक जरूरतों को पूरा किया जा सके। जम्मू कश्मीर के गांधरबल में 20 अक्टूबर की देर रात आतंकी हमला हुआ था। इसमें 7 लोगों की जान गई थी। बुधवार को इस हमले में शामिल आतंकी तस्वीर सामने आई है। हाथ में AK-47 जैसे राइफल लिया हुआ आतंकी किसी इमारत में घुसा हुआ नजर आ रहा है। आतंकी की पहचान फिलहाल सामने नहीं आई है। रूस में आज होने वाली ब्रिक्स प्लस की मीटिंग में भारत की तरफ से विदेश मंत्री अजय शंकर हिस्सा लेंगे। इस मीटिंग में कुल 28 देश और 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन हिस्सा लेंगे। मीटिंग के बाद ब्रिक्स देशों का साझा बयान यानी कजान डिक्लेरेशन जारी होगा। ब्रिक्स समिट 2024 का आयोजन रूस के कजान में हो रहा है। शेयर बाजार में आज 24 अक्टूबर को शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 100 अंक से ज्यादा की बढ़त के साथ 80,200 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में भी करीब 20 अंक की तेजी है, ये 24,450 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 में तेजी और 11 में गिरावट देखने को मिल रही है।